सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है ऋषिकेश। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वेबिनार है वो है एक्सपायरी व्यू के ऊपर। एंड इस एक्सपायरी व्यू के वेबिनार में हम बात करेंगे ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी रेंज, ऑप्शन बाइंग सेलिंग विथ लाइव ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड स्टॉक स्ट्रेंथ थ्रू शॉर्ट कॉल बिल्डअप। सो इस सबकी डिटेल्स के लिए हमारे साथ है मिस्टर देवेन मेहता। ही इज द डेरिवेटिव। हेलो, सो हमारे साथ है मिस्टर देवेन मेहता। इज द डेरिवेटिव एनालिस्ट फ्रॉम मिस्टर सुमित बगाड़िया टीम, जो कि हमारे साथ आज इस पूरे सेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो ओवर टू यू देवेन। थैंक यू ऋषिकेश। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एक्सपायरी के साथ, एक्सपायरी व्यू के साथ। जो आज एक्सपायरी है अप्रैल का वीकली एक्सपायरी, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो कल मार्केट बंद होने के बाद हम लोग को मिला था, मतलब जो डेटा आया था। तो इन्फ्लेशन का डेटा, दैट इज इंडिया का CPI इन्फ्लेशन डेटा जो आया था, वो कल बहुत ही अच्छा था। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से आरबीआई जो है रेट्स बढ़ा रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो नीचे आने की मतलब नीचे लाना चाहते हैं। तो उसके बेसिस पे जो रेट ने आरबीआई ने रेट हाइक किया था, तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम आ गया है। और कल का अगर डेटा हम लोग देखते हैं तो 5.66 एक्चुअल इन्फ्लेशन आया है। मार्केट का फोरकास्ट था, मतलब मार्केट एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि 5.8% आएगा, जो कि 5.66 आया, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी अच्छा आया। प्रीवियसली अगर हम लोग इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं तो 6.44 था। तो कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो काफ़ी कम हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं तो फूड इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो 4.79 आया है, जबकि लास्ट टाइम 5.95 था। तो फूड इन्फ्लेशन भी कम हुआ है और उसके साथ साथ पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। वेयर एज अगर हम लोग और डेटा देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का जो डेटा आया है वो 0.2% लास्ट टाइम था, वो बढ़ के 5.3 आया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ आ रही है, जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई कम होनी चाहिए वो कम हो रही है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट पिछले 8 दिनों से पॉजिटिव बंद हो रहा है। मतलब हम लोग ने देखा है कि पिछले 8 दिन से मार्केट पॉजिटिव बंद हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट में कि लगातार मार्केट 8 दिनों से पॉजिटिव बंद हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट, मतलब अगर आज जैसे यूएस में हम लोग ने कल देखा, यूएस में भी इन्फ्लेशन का डेटा है, बट वो भी अच्छा था, वो भी इन्फ्लेशन कम हो गया है। बट उसके साथ साथ यूएस में एक छोटा सा रिसेशन का जो टेंशन है वो चल रहा है, उसके चलते यूएस मार्केट्स में हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग देखा। तो आज हो सकता है थोड़ा गैप डाउन हो जाए, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा माइल्डली नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है आज थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए। तो नीचे में हम लोग देखते हैं कि 17,720 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लगातार 8 दिन बढ़ने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो 17,720 का एक सपोर्ट है निफ्टी को, अगर उसके नीचे जाता है तो 17,650, ये जो परसों का लो है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। ऊपर में अगर मार्केट वापस से बाउंस करता है नीचे से, तो 17,925 एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो क्रॉस करता है मार्केट तो 18,000 के तक मार्केट अप्रोच कर सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल एक बड़ा लेवल है, तो मार्केट 18,000 तक भी अप्रोच कर सकता है। सो मार्केट में ओवरऑल अगर पोजिशनल व्यू ले हम लोग, तो बाय ऑन डिप्स है, मार्केट में बाइंग नीचे के लेवल पे आ सकती है, बट ऊपर के लेवल पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने मिल सकती है। सो हम लोग बात करते हैं कल के डेटा के ऊपर, जो कल का ओपन इंटरेस्ट का डेटा था। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पर्पल लाइन्स है, पर्पल बार्स है, वो सारे पुट राइटर्स है। पुट राइटर्स मतलब वो जो पुट शॉर्ट सेल करते हैं और एक पॉजिटिव मतलब बुलिश व्यू बनाते हैं। उसके साथ साथ ब्लू लाइन्स है, ब्लू बार्स जो हमें दिख रहे हैं, वो सारे कॉल राइटर्स है। कॉल राइटर्स मतलब जो कॉल शॉर्ट सेल करते हैं और एक मार्केट के ऊपर नेगेटिव व्यू बनाते हैं, बेरिश व्यू बनाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 17,600, 17,700,
17,750, यहाँ पे सारे जो कॉल राइटर्स थे, जो ब्लू लाइंस था, उन्होंने अपना पोजीशन कम किया है। मतलब ये जो ऊपर की तरफ बार्स थे वो नीचे की तरफ आते दिखे, मतलब इन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है। इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग आया मार्केट में और उससे मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ और मार्केट ने कल 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी, विच इज वेरी गुड फॉर मार्केट, क्योंकि 17,800 एक रेजिस्टेंस भी था और 17,800 पे हम लोग देख रहे हैं कि पुट राइटर्स का एडिशन भी हुआ है, मतलब कुछ बुलिश पोजीशन भी वहां पे बनी है। तो 17,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल है देखने के लिए। सो अगर हम लोग आज का डेटा अगर देखते हैं तो 17,800 पे अगर हम लोग देखते देखे तो ओपन इंटरेस्ट हाइएस्ट है, मतलब हाइएस्ट तो नहीं बोल सकते बट ओपन इंटरेस्ट एक अच्छा खासा है जहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों एक्टिव है। तो 17,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट 17,800 के नीचे सस्टेन करता है तो 17,700 जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां तक जा सकता है। अगर मार्केट 17,800 को रिक्लेम करके वहां पे सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो ये जो सारे कॉल राइटर्स है वो अपना पोजिशन अनवाइंड करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगा और मार्केट 17,900 18,000 की तरफ जा सकता है। 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने मिल सकता है। तो आज 18,000 के ऊपर जाने का चांसेस थोड़ा कम है, डेटा ऑब्वियसली अच्छे है बट फिर भी जो हिसाब से पोजीशन बनी है 18,000 के ऊपर जाने का चांसेस कम है। और पिछले 8 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अगर बुलिश है तो एक प्रॉफिट बुकिंग या एक साइडवेज मूव आने का चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग इस पे ध्यान जरूर रखेंगे कि कहाँ पे अनवाइंडिंग आ रहा है, कहाँ पे अगर कॉल्स वाले जो है वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर पुट राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन थोड़ा हल्का कर रहे हैं तो मार्केट थोड़ा और नीचे की तरफ 17,700 के सपोर्ट की तरफ जा सकता है। तो नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत ही फैंटेस्टिक मूव दे रहा है हमें पिछले लगातार 8 दिनों से, उसमें एक दिन नेगेटिव बंद हुआ था बट मार्केट ओवरऑल बुलिश है और काफी अच्छे से बैंक निफ्टी ने भी परफॉर्म किया है। तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट रहेगा 41,150, 41,150 एक सपोर्ट रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है मार्केट तो 40,900 एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लो था वो लो उसके ही आसपास था, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट जरूर लेगा। ऊपर की तरफ 41,750 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करके मार्केट आज क्लोजिंग देता है तो मार्केट अगेन 42,000, 43,000 की तरफ भी जाने का मूव दिखा सकता है, लेकिन एक दिन में आज के आज ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग देख सकते हैं कि 41,750 का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करेगा तो 42,000 भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये जो अगर हाई हम लोग देखते हैं तो वो 42,000 का था, ये हाई भी यहाँ पे 42,000 का था, तो 42,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट वहां पे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन भी हो सकता है और अगर नीचे जाएगा तो सपोर्ट से बाउंसेस आने के भी चांसेस है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय एंड डिप्स का मार्केट बोल सकते हैं और अगर कोई भी डिप आया तो पोजिशनल वे में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के लेवल्स पे अगर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग और हल्का फुल्का हम लोग थोड़ा शॉर्ट पोजिशन भी बना सकते हैं, जहाँ से हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो बुक कर सकते हैं। तो ये हम लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा। कल बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में जो चेंजेस आया था वो हम लोग देखेंगे एक बार। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो कॉल राइटर्स कल भी हम लोग ने देखा कि काफी एक्टिव थे, वेयरएज बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स सेकंड हाफ में काफी अनवाइंडिंग देखने मिला और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस आया। तो हम लोग देख सकते हैं कि 41,000 से लेके 41,400 तक कॉल राइटर्स ने अपना पोजिशन अनवाइंड किया है, शॉर्ट कवर किया है और मार्केट 41,500 के ऊपर क्लोज किया है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि 41,500 के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखें आज के लिए टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो 41,500 पे बहुत ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर ये ब्रेक होता है और मार्केट सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये अपना पोजिशन अगर अनवाइंड करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग का अगर खतरा बनता है तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में ज्यादा आ सकता है। बट अगर 41,500 पे मार्केट सस्टेन करेगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो ये शॉर्ट्स जो कि बहुत है वो अपना पोजिशन जो है वो
एग्जिट करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जहाँ पे 42,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 42,000 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। तो बस हमें देखना होगा कि लॉन्ग अनवाइंड होता है, मतलब पुट राइटर्स अपना पोजीशन कम करता है या कॉल राइटर्स अपना पोजीशन कम करके शॉर्ट कवरिंग आता है, बस ये हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आज पता चलेगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 41,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमने हाईएस्ट कॉल और पुट में ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। कॉल में डेफिनेटली सेकेंड हाईएस्ट है, बट पुट सॉरी कॉल में सेकेंड हाईएस्ट है, लेकिन पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने यहाँ पे मिल रहा है। सो नेक्स्ट इज स्टॉक्स इन बैन। तो डेल्टा कॉप और बलरामपुर चीनी जो दो स्टॉक्स है वो बैन में है। बैन में वो स्टॉक्स रहते हैं जहाँ पे फ्यूचर्स में अगर पोजिशन 80% से ज्यादा बन जाती है तो वो बैन में चले जाते हैं, वहां पे न्यू पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनका मतलब वो स्क्वेयर ऑफ हो जाती है, तो वो बैन से बाहर आ जाते हैं। तो ये स्टॉक्स बैन में है, तो हम लोग ये स्टॉक्स पे नजर रखेंगे। ये थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं स्टॉक्स, क्योंकि बैन में होने की वजह से। नेक्स्ट इज पुट कॉल रेशियो। पीसीआर एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है और टोटल कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पुट कॉल रेशियो हमें मिल जाएगा। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.27 चल रहा है, और निफ्टी हम लोग देख रहे हैं लगातार 8 दिनों से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये पुट कॉल रेशो काफी लोअर लेवल पे था, वहां से बाउंस आके अभी 1.27 पे आया है। निफ्टी का एक रेंज है पुट कॉल रेशो का 0.60 और 1.55। अगर निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.55 की तरफ जाता है तो हम उसे ओवरबॉट बोलते हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस होता है। लोअर रेंज रहेगा 0.60, अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जाता है तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का चांसेस है और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जरूर आता है। तो हमें क्या करना है, 1.27 का पुट कॉल रेशियो विच इज क्लोजर टू 1.55, ओवरबॉट तो नहीं है लेकिन काफी क्लोज है ओवरबॉट की तरफ। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है, वहां पे नए लॉन्ग नहीं बनाने। हम लोग क्या करेंगे, अगर डिप मिलेगा तो हम लोग डिप्स में बाइंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ बाय करने से एक प्रॉफिट बुकिंग में अपना लॉन्ग पोजीशन जो है वो थोड़ा फंस सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग जरूर करेंगे लेकिन डिप्स पे करेंगे। बैंक निफ्टी सेम, इसका भी पुट कॉल रेशो हम लोग देख सकते हैं 1.32 चल रहा है, वेयर एज हायर रेंज इज 1.30। इसका मतलब बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो एक हायर लेवल पे है, ओवरबॉट बोल सकते हैं हम लोग। तो ये ओवरबॉट पोजीशन जो है ये प्रॉफिट बुकिंग हमें ला सकती है। तो हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी जो भी हायर लेवल पे बाइंग नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी 41,750 42,000 की तरफ अगर मूव करता है तो हम लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इनफैक्ट अगर बाउंस आता है 41,600 के आसपास भी अगर मार्केट आता है और वहां पे सस्टेन नहीं करता तो वहां पे भी लॉन्ग पोजिशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है और बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ जरूर आ सकता है। तो हमें बैंक निफ्टी में देखना चाहिए कि अगर मार्केट सस्टेन ऊपर की तरफ नहीं करता तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं और हल्का फुल्का प्रॉफिट नीचे की तरफ ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन जो है अपने वो हम लोग ज्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे, क्योंकि बाय ऑन डिप्स मार्केट है। तो शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट हम लोग जल्दी बुक कर देंगे और हो सकता है कि हम लोग हेज पोजीशन भी बनाए, तो हेज पोजीशन बना के भी इसमें काम कर सकते हैं, जिसमें लॉसेस होने का चांसेस कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स काफी लोअर लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो ऑरेंज लाइन है वो एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो इंडिया विक्स में यहाँ से बाउंस आ सकता है, अगर इंडिया विक्स में यहाँ से बाउंस आएगा तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो शूट अप हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन के प्रीमियम्स ऊपर जाने से ये हो जाएगा कि जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के बायर्स है उन लोग को फायदा हो सकता है, वेयर एज जो राइटर्स है उन लोग को थोड़ा लॉसेस हो सकता है। तो ये लोअर विक्स पे हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करना है रेदर देन ऑप्शन सेलिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट है विक्स का, तो हम लोग को इस पे भी ध्यान रखना है। और विक्स में अगर यहाँ से बाउंस आता है तो हमें ऑप्शन बाइंग की तरफ रहना है और ऑप्शन सेलिंग्स अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज स्टॉक एनालिसिस बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। तो ये कुछ सारे स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग आए। तो सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, मतलब प्राइस स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव होता है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ मूव होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रही है, इसलिए हम इसे लॉन्ग बिल्डअप बोलेंगे। तो बायोकॉन एक एग्जाम्पल है यहाँ पे।
जो लॉन्ग बिल्डअप का सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देख सकते हैं कि काफी नीचे की तरफ आया था और वहां से बाउंस आया था और वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाई गई है। तो आप यह जरूर चेक कर सकते हैं चार्ट पे, आपको समझ में आ जाएगा कि बायोकॉन में अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। नेक्स्ट इज शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप मतलब वो सारी चीजें जहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बन रही है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर आ रहा है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है। अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो वहां पे शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप होती है। तो ये जो स्टॉक्स है ये सेल ऑन राइज वाले स्टॉक्स है। तो एबी भी एक ऐसा एग्जांपल है जो आप चार्ट पे भी देख सकते हैं जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप काफी हुआ है और ये अगर मार्केट के साथ या किसी भी वजह से अगर ऊपर की तरफ मूव होता है प्राइस तो उसे शॉर्ट पोजिशन बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग ऐसे स्टॉक्स है यहाँ पे जिसमें ओपन इंटरेस्ट कम हो गया है लेकिन प्राइस ऊपर गया है। तो प्राइस ऊपर गया मतलब जो शॉर्ट पोजीशन बनाया था उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया, एग्जिट करने से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ और शॉर्ट कवरिंग से प्राइसेस ऊपर गया। तो ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आईजीएल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पिछले 2 दिन से हम लोग देखेंगे काफी हाई पे चल रहा था, अराउंड 52 वीक हाई पे चल रहा था आईजीएल का स्टॉक। वहां पे हम लोग ने देखा कि 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था जहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बिल्टअप हुई थी, लेकिन कल के दिन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। तो आईजीएल में क्या हुआ है कि शॉर्ट पोजीशन जो बिल्डअप हुई थी वो शॉर्ट कवर हो गए और मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो दैट इज शॉर्ट कवरिंग इन आईजीएल और ये सारे स्टॉक्स में। तो आप चार्ट पे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर वो होता है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर किसी भी स्टॉक्स में प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ था पहले और वो प्राइस नीचे की तरफ जाता है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे की तरफ आता है तो इसका क्लियर मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का ये हो रहा है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये हमें ध्यान दे सकते हैं, हाँ ये स्टॉक्स पे हम ध्यान दे सकते हैं। पीवीआर एक अच्छा एग्जांपल, जहाँ पे काफी दिनों से धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, लॉन्ग पोजिशन बन रही थी, बट कल के दिन में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है और पीवीआर नीचे की तरफ स्लिप हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के। तो ये सारे स्टॉक्स पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज आवर टीम, सुमित बगड़िया सर जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अमेय रणदिवे रिसर्च एनालिस्ट, ओम कुमार मेहरा रिसर्च एसोसिएट, देवेन मेहता माइसेल्फ डेरिवेटिव एनालिस्ट, दीक्षा सादिश और शुभांगी, ये हमारा सपोर्ट टीम है। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या आपको कोई भी क्वेरीज रहेगा रिगार्डिंग ये वेबिनार या तो कोई भी स्टॉक्स रिलेटेड या तो कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है जो रिव्यू करना है तो हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए हेल्प के लिए रेडी है। सो ट्रेड अच्छा करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहेंगे और हम लोग प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। तो जरूर ध्यान देना और थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू ऋषिकेश। थैंक यू देवेन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने चैट बॉक्स में हमारा सपोर्ट 10 नंबर जरूर दिया है। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे। ऑल्सो प्लीज फॉलो आर रिसर्च कॉल्स अंडर द हेडर यू नो सुमित बगाड़िया डेस्क, जिसमें हम डेली बेसिस पे हमारे रिसर्च कॉल्स देते हैं टू गेट मोर इनसाइट्स, टू गेट इन टच विद आवर टीम। एंड जैसे कि देवेन ने कहा दैट इन केस एनी क्वेरीज आर देयर फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट्स आल्सो द टीम कैन गाइड यू फॉर द सेम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप इस कंप्लीट एक्सपायरी व्यू के ऊपर आपके सारे क्लियर थॉट्स है अभी। एंड लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू देवेन एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैप्पी अर्निंग्स एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू यू ऑल।